हेलो, वेलकम बैक टू बिज़नेस रोज़गार। स्वागत है आप सबका। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक दो तीन आर्टिकल्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आईटी कंपनीज़ की मास रिक्रूटमेंट के बेस पे है। तो पहला आर्टिकल हमारे यहाँ पे आ रहा है जो न्यूज़ 18 की तरफ से, दैट TCS इन्फोसिस हायरिंग टू गो अप दिस ईयर, नो वॉट आईटी कंपनी सेज ऑन रिक्रूटमेंट। तो हमें पता है कि रिसेंटली बहुत सारी आईटी कंपनीज़ मास रिक्रूटमेंट कर रही है, तो जिसमें कि TCS ने ऑलरेडी अपनी रिक्रूटमेंट्स डाल दी है, जिसने फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे मेंशनड है 35,209 एम्प्लॉयज़ वेयर हायर्ड इन क्वार्टर वन जो मार्च 31 पे एंड हुआ था। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर है वहाँ पे अराउंड 40,000 के करीब करीब वैकेंसीज यहाँ पे आपकी TCS की दिखने वाली है। अगेन आप दूसरी कंपनीज की तरफ जाओगे तो इन्फोसिस ने कहा था कि टोटल 85,000 फ्रेशर्स को वो हायर करेगा इस साल, और अराउंड उसने 20,000 to 25,000 फ्रेशर्स को हायर कर लिया है। सो अगेन यहाँ पे 54,000 प्लस एम्प्लॉयड यहाँ पे वो हायरिंग के प्रोसेस में है। सो बहुत सारी कंपनीज अभी ज़्यादातर हायरिंग कर रही है, और इसका मेन रीज़न है एट्रिशन स्टूड एट 27.7%। अगर आप लास्ट लाइन चेक करेंगे तो यहाँ पे दिया है कि एट्रिशन रेट बहुत बढ़ गया है। एट्रिशन रेट मतलब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयड है वो एक तो फास्ट रिज़ाइन कर रहे हैं या फिर वो कंपनीज ज़्यादा स्विच कर रहे हैं। देर आर मल्टीपल रीजन्स फॉर स्विचिंग द कंपनी, आईटी कंपनी स्विच करने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न और मेन रीज़न हो सकता है कि सैलरी हाइक, और दूसरा रीज़न पॉलिसीज़ जो कंपनीज आजकल चेंज कर रही है। जैसे इन्फोसिस ने करंटली अपनी एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है कि अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एक साल से ज़्यादा वर्क कर चुका है तो अगर वो रिज़ाइन करना चाहता है तो वो उनके टॉप 5 राइवलरीज कंपनीज के साथ नहीं ज्वाइन कर सकता। तो रिसेंटली ये इन्फोसिस ने अपने इसमें लिखा है, उसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, दैट्स वाई बहुत सारे लोग हैं जो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये नए वैकेंसीज़ की बहुत सारी मास रिक्रूटमेंट चल रही है, और यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर्स जल्दी जल्दी हायर्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है वो है नो वर्क फ्रॉम होम, इन्फोसिस प्लान टू कॉल एम्प्लॉयज़ बैक टू ऑफिस सून। सो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अब जबकि कोविड सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो इन्होंने टू फेज़ में इन्होंने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया है कि पहले फेज़ में वो क्या होगा, ये हाइब्रिड होगा, जैसे कुछ लोकेशंस पे उनको बुलाया जाएगा या फिर कुछ दिन के लिए उनको बुलाया जाएगा। जैसे यहाँ पे एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक उनको ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द डेज वो अपने घर से वर्क कर सकते हैं। और जो सेकेंड फेज़ होगा उसमें ऑल विल बी कॉल्ड बैक टू द ऑफिस, सभी एम्प्लॉय को वापस बुलाया जाएगा। जो तीसरा यहाँ पे आर्टिकल है यहाँ पे हमारे पास वो है इन्फोसिस मेगा प्लान टू ब्रिंग अराउंड 3 लाख प्लस एम्प्लॉयज बैक टू द ऑफिस। सो ये थ्री फेज प्लान हुआ है, और हाइब्रिड मोड यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये इन्फोसिस कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को वापस बुला रही है। तो बेसिकली जो मेन वीडियो का ये एम था हमारे वो यही था कि बहुत सारे आईटी कंपनीज अभी रिक्रूटमेंट के अंडर प्रोसेस में है, और बहुत सारी आईटी जॉब्स आपके सामने अब दिखने को मिलेगी सेकंड क्वार्टर में। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, और जो भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर वगैरह लगता है वो आप करिए, और नोटिफिकेशन आप चेक करते रहिए। उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी डाल दिए हैं। हमारा लिंक्डइन चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लिंक्डइन चैनल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे हम करंट नोटिफिकेशंस डालते हैं, और बिज़नेस रोज़गार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे और आपको जल्दी से जल्दी जॉब नोटिफिकेशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।